नमस्कार। 27 सितंबर की शाम को रविवार का दिन है। मैं दूसरी श्रृंखला के ऊपर जा रहा हूं अपने श्रद्धे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के बारे में। उनका जीवन एक हम लोग के लिए बहुत कुछ सीखते हैं, हम लोग उससे तो पूरा जीवन अवेलेबल है। कई लोग पुस्तकें लिख चुके हैं उनके बारे में, लेकिन मैं अपने दिल की बात कुछ उनके बताता हूं। तो ये दूसरा श्रृंखला है, सेकंड टाइम। पिछली बार मैंने उनके अर्ली लाइफ के बारे में जिक्र किया था, आज मैं उनके अर्ली पॉलिटिकल कैरियर के बारे में जिक्र करना चाहता हूं, जो कि काफी अर्ली स्टेज में उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं उनसे कुछ स्पेशली प्रभावित हूं, उनके कार्यशैली से, उनके समय के साथ काम करने से, उनको देश के बारे में सोच से, और सेल्फलेस सर्विस देना, यानी कि निष्काम अपने ना बारे में सोच के केवल देश के बारे में सोचते हुए। और देश क्या हो, तो इस समय वर्ल्ड लीडर हैं, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उनकी 70 साल की उम्र में भी, मैंने 17 तारीख को उनकी बर्थडे मनी थी, यानी कि उनका जन्मदिन होता है, मैंने 19 तारीख को छोटा सा दिया था। आज 27 सितंबर को मैं सेकेंड चरण बताना चाहता हूं कि किस तरह से उनका पॉलिटिकल कैरियर शेप हुआ। हमें थोड़ा सा कंप्यूटर की सहायता लूंगा और उसमें ये बताना चाहूंगा कि देखिए, अर्ली पॉलिटिकल कैरियर मैं थोड़ा सा इस पे देखना चाहता हूं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी, जिसके बारे में काफी जिक्र हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं, उस जो कि 1975 से 1977 तक 2 साल के लिए चली, इस दौरान इमरजेंसी में मैं काफी पॉलिटिकल ओपोनेंट जेल हुआ और अपोजिशन ग्रुप वॉज बैंड, यानी कि बाकी जितने भी अपोजिशन ग्रुप थे उनको बैन कर दिया गया। आदरणीय मोदी जी वॉज अपॉइंटेड जनरल सेक्रेटरी ऑफ गुजरात लोक संघर्ष समिति, गुजरात की लोक संघर्ष समिति में इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, और आरएसएस कमेटी कोऑर्डिनेटिंग अपोजिशन टू द इमरजेंसी इन गुजरात। आरएसएस कमेटी जो कि अपोजिशन कर रही थी इमरजेंसी गुजरात में, शॉर्टली आफ्टरवर्ड आरएसएस वॉज बैंड। आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, इसको बैन कर दिया गया, जो कि मुहिम थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की, जो कि जून 1975 में इमरजेंसी लगाई गई उसकी दौरान आरएसएस वॉज बैंड। मोदी जी वॉज ऑल्सो फोर्स टू गो अंडरग्राउंड इन गुजरात। काफी पोलिटिकल लीडर को अंडरग्राउंड जाना पड़ा, कुछ को जेल चले गए, और काफी उस समय काफी दिनों तक काफी इधर से उधर वो भेष बदलकर अरेस्ट को बचाते रहे अपने। ये बहुत ही दुखद समय था अपोजिशन पार्टी के लिए, पब्लिक के लिए, जब इमरजेंसी लगाई गई, जो कि 2 साल, करीब करीब 2 साल चली, 1975 से लेकर 1977 तक। उस समय मोदी जी इन्वॉल्व हुए पैम्पलेट्स बनाने में अपोजिट गवर्नमेंट के खिलाफ, और दिल्ली भेजते थे और ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। उस समय एक बहुत ही काला समय कहा था, ब्लैक पीरियड ऑफ द डेमोक्रेसी, जब इमरजेंसी लगाई गई थी। मोदी जी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद क्रिएटिंग नेटवर्क ऑफ सेफ हाउसेज फॉर इंडिविजुअल्स वॉन्टेड बाई द गवर्नमेंट। तो जहां वहां छुपने के लिए सेफ हाउसेज बनाए गए, उसमें भी मोदी जी का काफी बड़ा योगदान रहा, और खास करके फंड रेजिंग और पोलिटिकल रिफ्यूजीज और एक्टिविस्ट के लिए फंड रेजिंग का काम भी इन्होंने बहुत किया। बहुत ही मेहनती रहे शुरुआत से ये। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोदी जी ने किताब लिखी, रोट ए बुक इन गुजरात, संघर्ष मा गुजरात, एक किताब भी लिखी उन्होंने, संघर्ष मा गुजरात इन स्ट्रगल्स ऑफ गुजरात, यानी कि जो इमरजेंसी में स्ट्रगल हुआ गुजरात का, वो मोदी जी के द्वारा लिखी गई संघर्ष मा गुजरात। डिस्क्राइबिंग इवेंट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी के दौरान, देखिए आगे जब प्रधानमंत्री तब से बने हैं, उन्होंने कई बार इस विषय को रेज किया गया है कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी। अमंग द पीपुल ही मेट इन दिस रोल वॉज एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट जॉर्ज फर्नांडिस से इनकी उस समय मुलाकात हुई, और काफी अदर, काफी नेशनल पॉलिटिकल फिगर से भी इन दौरान उनकी मुलाकात हुई। ड्यूरिंग हिज ट्रेवल टू इमरजेंसी मोदी जी वॉज ऑफन फोर्स टू मूव इन डिसगाइज, यानी कि अपने भेष बदल के बदलते थे, और कई बार मॉन्क बन के भी और सिख बन कर के भी घूमे, यानी काफी पोलिटिकल लीडर इसमें परेशान थे। उस समय मोदी जी बिकेम आरएसएस संबंग प्रचारक, नेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजर इन 1978 में, आरएसएस एक्टिविटीज देखते थे सूरत और वडोदरा में, और 1979 में ही वेंट टू वर्क आरएसएस दिल्ली में भी काम किया प्रचारक के रूप में। वेयर वॉज पुट टू वर्क रिसर्चिंग एंड राइटिंग द आरएसएस वर्जन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी। आरएसएस ने जिस तरह से इसको बताया, उसको इन्होंने लिखा, मोदी जी ने लिखा। गुजरात वापस आ गए और उस समय आरएसएस का काम
बीजेपी में 1985 में ये सारा काम गुजरात का देखते थे। 1987 में मोदी जी हेल्प ऑर्गेनाइज अ बीजेपी कैंपेन इन द अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन और जो कि बीजेपी जीत गई। मोदी जी की जो प्लानिंग हैज बीन डिस्क्राइब अ रीजन फॉर द रिजल्ट ऑफ बायोग्राफर्स आफ्टर एलके अडवाणी बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ बीजेपी। 1986 में एलके अडवाणी साहब बन गए बीजेपी के प्रेजिडेंट। 1986 में जब वो बन गए तो उस समय RSS decided to place its members in important position within the BJP. Modi worked during the Ahmedabad election led to his selection to his role and Modi ji was elected organization secretary to the BJP, organization secretary to the BJP Gujarat unit later in 1987. Modi rose within the party and was named the member of BJP National Election Committee 1990. हेल्पिंग ऑर्गेनाइज एल के अडवाणी की जो रथ यात्रा थी हुई बहुत ही पॉपुलर रथ यात्रा हुई है 1990 में, उसमें मोदी जी ने काफ़ी हेल्प करी। और मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा की थी उसमें भी मोदी जी ने काफ़ी काम किया। हाउएवर ही टूक ए ब्रेक फ्रॉम पॉलिटिक्स 1992 से लेकर 1994 तक वो थोड़ा सा ब्रेक लिया मोदी जी ने। उन्होंने स्कूल एस्टेब्लिश किया, उस समय उनका थोड़ा सा फ्रिक्शन चल रहा था शंकर सिंह वाघेला साहब से और इसकी वजह से भी शायद उन्होंने, बट ही केम बैक टू पॉलिटिक्स इन 1994। 92 से 94 में थोड़ा सा ब्रेक था और उस समय अडवाणी जी का काफी रोल था इनको वापस पॉलिटिक्स में लाने के लिए और उनको पार्टी सेक्रेटरी बनाया गया। मोदी जी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी वॉज कंडीशन द बीजेपी विक्ट्री जो 1995 में स्टेट असेंबली में इलेक्शन हुआ जीते उसमें मोदी जी का इलेक्टोरल स्ट्रेटजी को काफी महत्ता मिली, यानी कि जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई उसकी वजह से ही शायद 1995 में स्टेट असेंबली इलेक्शन गुजरात में जीत मिली। नवंबर उसी साल में ही वॉज इलेक्टेड बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी एंड ट्रांसपोर्ट दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी बनकर मोदी जी 1995 में उसी साल 1995 में दिल्ली आ गए। वेरी एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पार्टी एक्टिविटीज इन हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे उस समय 1995 में। द फॉलोइंग ईयर 1996 में प्रोमिनेंट बीजेपी लीडर फ्रॉम गुजरात डिफेक्टेड इनटू नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब शंकर सिंह वाघेला साहब ही डिफेक्टेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर लूजिंग MP के इलेक्शन चुनाव हार गए। मोदी वॉज ऑन द सिलेक्शन कमेटी फॉर द 1998 असेंबली इलेक्शन गुजरात फेवर सपोर्टर ऑफ बीजेपी लीडर केशुभाई पटेल ओवर 10 दोस्त सपोर्टिंग वाघेला टू एंड द वे इन दिस इन द पार्टी हिज स्ट्रेटजी वॉज क्रेडिटेड एज अ की टू द बीजेपी विनिंग ओवरऑल मेजोरिटी 1998 इलेक्शन एंड मोदी जी वॉज प्रमोटेड टू बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन को मई 1998 में मोदी जी को बना दिया गया। तो इस तरह की यात्रा जो मैं बता रहा हूँ आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत ही मेहनती रहे हैं। उन्होंने जिस हिसाब से स्ट्रगल किया अर्ली कैरियर बचपन में एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद इतना दिमाग से तेज और पॉलिटिकल स्ट्रगल करते हुए अलग अलग भूमिकाओं में जो इनिशियल पॉलिटिक्स में 1900 इमरजेंसी के दौरान उन्होंने सेफ हाउसेस बनाए, उन्होंने पब्लिक के लिए और खास करके जो लीडर्स जिनको छुपना था उनके लिए फंड रेजिंग करी, उसके बाद गुजरात की पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल स्ट्रेटजी जो बनाई उन्होंने उसकी वजह से चुनाव जीते। अडवाणी जी की और मुरली मनोहर जोशी जी की रथ यात्राओं में काफी बड़ा योगदान दिया उन्होंने। तो शुरू से बहुत ही ज्यादा मेहनती अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनको फिर से नमन करता हूँ। आज तक दूसरा श्रृंखला में आज यही समाप्त करता हूँ जो कि उनके अर्ली पॉलिटिकल करियर के बारे में है। अगली पेशकश में मैं कुछ उनके फर्दर जब मुख्यमंत्री बने उस बारे में चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से, चूंकि मैं उनसे काफी प्रभावित हूं इसीलिए मैं इस तरह की श्रृंखला मैं चला रहा हूं। सोचता हूं कि और आम लोगों को इस बारे में पता लगे, वैसे तो उनके बारे में सबको पता है सब कुछ, लेकिन कुछ बातें दिल की बात है इसलिए मैं दिल की बातें करता हूं इस दौरान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता और 27th ऑफ सितंबर @9 PM फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली।